दरभंगा का शलूट। तो दोस्तों, मैंने अपनी जर्नी रेवाड़ी से स्टार्ट की और रेवाड़ी से मैं दिल्ली गया, दिल्ली नितेश भाई के घर पे। वहाँ से हमने अपनी राइड को स्टार्ट किया। 5 राइडर्स और हैं हमारे साथ। और अगर आपने पिछली वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक करें। और मेरे साथ है नितेश। अरे चलो बुलावा आया है हमें, भोले ने बुलाया है, बोलो हर हर महादेव शिव शंभू जोड़ के दोनों हाथ। चलो केदारनाथ, चलो केदारनाथ, चलो केदारनाथ, चलो केदारनाथ। न जाने कितनी बार केदारनाथ का प्रोग्राम बना और टूटा, बना और टूटा। हमें बुलाने वाला भी तो कौन है, भोलेनाथ, जिसकी रजा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। और अब हम फाइनली केदारनाथ की तरफ निकल गए हैं और वो टाइम है 17 जून 2022। जो शिव शंकर को चाहते हैं वो सुख समृद्धि पाते हैं, भोले का वंदन करते जो तो बन जाती सारी बात। चलो ये है नदी और नदी के बीचों बीच ये है धारी देवी टेंपल, जो माता काली को समर्पित है। जो 2013 में जो डिजास्टर जो आया था वो माना जाता है कि इसी मंदिर के कारण आया था, क्योंकि यह मंदिर पहले, ये मंदिर यहाँ पे प्लेन था बिल्कुल। डैम बनाने के बाद जल स्तर बढ़ा और मंदिर डूबने लगा, तो उसकी मूर्ति को निकाल के दूसरी जगह स्थापना कर दी गई। उसके बाद डिजास्टर आया 2013 में, कुछ दिन बाद ही दोबारा इस मंदिर को पिलर पे बना के इस मंदिर में मूर्ति की स्थापना की गई। यह मूर्ति मंदिर 4 धाम की द्वारपाल और रक्षक भी बोली जाती है। तो ऐसा इस मंदिर का इतिहास है। आपको पता हो तो कुछ अलग से कमेंट करके बताना। अभी हैं हम अगस्त मुनि जगह पे और केदारनाथ यहाँ से अराउंड 75 किलोमीटर बचा हुआ है, जो कि हम 1 घंटे में या 1.5 घंटे में कवर करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे आराम करने के बाद सुबह मॉर्निंग में हमें ट्रैकिंग करनी है केदारनाथ के लिए। अगर हम यहाँ पे रुकेंगे तो दिक्कत है। और अभी हमारा एक बंदा पीछे रुका हुआ है, वो आ रहा है धीरे धीरे, और अब उसको साथ लेके यहाँ से आगे निकलेंगे। ये यहाँ का नज़ारा है, काफ़ी पानी की कलकल बहती आवाज़, काफ़ी अच्छा नज़ारा। और ये हमारी बाइकें हैं, कंडीशन देखो, फुल्ली लोडेड। तुम्हारा भाई चला के लेके आया, अभी बारिश अभी रुकी है। ये हमारे है राइडर पार्टनर, कंडीशन देखो इनकी। रास्ते में इतनी बारिश मिल रही है, हम ना कोई वीडियो शूट कर पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे, बस बारिश ही बारिश, बारिश के दर्शन हो रहा है। जितना आपको दिखाया जा रहा है और जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वीडियो में आप इंजॉय करिए, वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं रेवाड़ी से जब से चला हूँ कंटिन्यू बारिश आ रही है। रेवाड़ी से मैं दिल्ली आया नितेश भाई के घर पे और वहाँ से हम निकले, और निकलने से पहले वहाँ पे बारिश थी, निकले तब भी बारिश थी, फिर हमने दिल्ली मेरठ क्रॉस किया तो भी बारिश थी। हरिद्वार में सुबह बारिश नहीं था, लेकिन जैसे ही हरिद्वार में हम नहाए चलने लगे तो वहाँ भी बारिश होगी। हमने सुबह से रेनकोट निकाला नहीं, अब 5-7 मिनट देखो कि बारिश रुकती है, अभी रुकी हुई है फिलहाल, अब 5 मिनट में फिर अब आगे का पता। बारिश रुकने का तो भाई कोई मतलब नहीं है, मतलब हल्की फुल्की तो चली रही है, हल्की फुल्की है, हमने बहुत अच्छी ब्लॉगिंग की है, लेकिन अब ऐसी कंडीशन में ब्लॉगिंग होगी जैसी है
आपको अमेजिंग अमेजिंग शॉट हम दिखाएंगे, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश है आपको आपके पास अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दिया जाए। ठंड तो अल्टीमेट है। ये देखो सामने का व्यू, अभी मार्केट में चहल पहल स्टार्ट हो गई है और इसके बाद निकलते हैं, मिलते हैं आपको ट्रैकिंग पे। रंगा का सैल्यूट सभी सब्सक्राइबर को, और जो पहली बार मेरे साथ इस वीडियो में कनेक्ट हो रहे दोस्तों, अभी है हम सोनप्रयाग में और यहाँ से हमें गाड़ी लेके गौरीकुंड जाना है। गौरीकुंड से हम पैदल ट्रैकिंग करेंगे केदारनाथ की, और नज़ारा बिल्कुल ओके है। अभी टाइम हुआ है 6 बजे हैं और ये यहाँ का नज़ारा देख रहे हो। ये अपने बंदे सारे तैयार हैं। ये अंकल जी से हम सुबह के मॉर्निंग के लिए चाय बनवा रहे हैं, अंकल चाय बना रहे हैं हमारे लिए। तो यहाँ से हम नाश्ता करके ब्रेकफास्ट करके अपना निकलते हैं गौरीकुंड के लिए, और ये सारे भाई रेडी हैं, तो चलिए मिलते हैं। हम हो गए हैं बिल्कुल तैयार केदारनाथ की ट्रैकिंग के लिए। अभी यहाँ से हमें एक मैट भी बांध लूंगा इसके ऊपर, व्हीकल लेना पड़ेगा जो कि हमें मैट बांध लूंगा गौरीकुंड और क्या छोड़ देगा वहाँ से, ऊपर इसका ना हमें पैदल ट्रैकिंग करनी है। पहले देख लो अपने सारे साथी, ये नितेश पानी की बोतल है ना भाई, तैयारी कर रहे हैं। फिर से स्वागत है गौरीकुंड के लिए, तो यहाँ से टैक्सी कर। और ये सोनप्रयाग की पार्किंग है ये, और ये हमने बाइक लगा दी यहाँ पे। ये भैया इधर ले आओ, और अभी हम यहाँ से निकलेंगे टैक्सी के लिए। टैक्सी से हमें जाना है गौरीकुंड, गौरीकुंड से हम आगे के लिए निकलेंगे और पैदल ट्रैक आपको बाबा केदार के दर्शन कराएंगे। सोनप्रयाग की मार्केट है, काफ़ी रश है यहाँ पे। अब
अभी हम सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए हमने व्हीकल में बैठे हुए हैं और ये हमारे सारे साथीगण। हेलो करो भाई। हेलो भाई। हेलो। और अभी 10 से 15 मिनट में हम गौरीकुंड पहुंच जाएंगे, उसके बाद पैदल यात्रा शुरू करेंगे। नज़ारा